दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक नया रिविजनरी वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं आप सभी को क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं डेटर्स मैनेजमेंट और कुछ बुक्स में इस टॉपिक का नाम रखा गया है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों आज मैं इस टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट और डेटर्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों आने वाले 15-20 मिनट में मैं पूरी बातें आपको रिवाइज करा दूंगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि इस टॉपिक में कितने कंसेप्ट आपने करने, भले आप यहाँ से कर रहे हो या नहीं, आपको पढ़ता तो होना चाहिए कितने कंसेप्ट हम करने वाले हैं और उन सबके लॉजिक्स और क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, वो सब बातें करेंगे थ्योरी क्वेश्चन के साथ। तो मैं पहले शुरू के 10 मिनट एक बेसिक कंसेप्ट इस टॉपिक को शुरू क्यों किया, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाई इट इज बीइंग स्टार्टेड, ये शुरू क्यों हुआ, व्हाट एंड व्हाई। अगर आपको इस बात का पता चल जाएगा तो बेटे टॉपिक आपके लिए एक सौगात हो जाएगी नंबर्स लेने के लिए। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि इस टॉपिक में बेसिकली हम ये करने वाले हैं कि क्रेडिट पॉलिसी, बेटे ये टॉपिक एक्चुअली में वर्किंग कैपिटल का है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपने जरूर वीडियो देखा होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम करते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बेटे करंट एसेट्स को मैनेज अगर हमने कर लिया तो करंट एसेट्स का मतलब स्टॉक, करंट एसेट का मतलब डेटर्स, करंट एसेट का मतलब कैश। इफ वी कैन मैनेज दीज थ्री, तो दोस्तों कहीं ना कहीं करंट एसेट को मैनेज कर लिया और अल्टीमेटली हमने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर लिया। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। तो बेटे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में तीन मैनेजमेंट और है, एक का नाम है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, दूसरी का नाम है कैश मैनेजमेंट और बेटे तीसरे का नाम है जो अभी हम कर रहे हैं डेटर्स मैनेजमेंट। तो बेटे अगर ये तीनों मैनेजमेंट आपने ध्यान से कर ली तो यकीन मानिए, अगर आपने ये तीनों के तीनों मैनेजमेंट को ध्यान से कर लिया तो आप पूरी वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए आप तीन कंसेप्ट अगर सीख लें तो मैं अभी आपके सामने एक कंसेप्ट रखने वाला हूं, क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है उधार कितना दे या ना दे। बेटे ये बात भी मैंने आपको फेस टू फेस की बैचेस में बताई हुई है कि उधार दे या ना दे और उधार क्यों दे या कितना दे, इस चीज को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट का नाम लेंगे जिसको हम कहते हैं क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट। मतलब आपको कई बार फोर्स हो जाना होता है क्रेडिट देने के लिए क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स क्रेडिट दे रहे होते हैं। जैसे मैं बात करूं ACC सीमेंट, JK सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट, बांगड़ सीमेंट, ये सब क्रेडिट दे रहे हैं और आप एक नई कंपनी हो तो बेटे आपको भी कई बार कंपल्सरी क्रेडिट देना पड़ेगा। और आजकल आप देखें ये क्रोमा में देखें, रिलायंस के डिजिटल शोरूम्स में देखें, सब जगह उधार देते हैं। तो उधार दे या ना दे, अगर उधार देना है तो कितना दे, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट को समझेंगे। अब सवाल आता है कि अगर आप 12 लाख रुपए की सेल करते हैं एक वर्ष में, इफ यू डू अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 12 लाख रुपीज इन 12 मंथ्स, तो दो महीने का अगर आप उधार दें, आप मुझे बताइए अगर आप दो महीने का क्रेडिट दें तो फिर क्या होगा, आपके जो पैसे आपको मिलने हैं 2/12 ऑफ 12 लाख,
मैं कहता हूं जी आपको जो 2 लाख रुपए मिलने हैं वो अभी नहीं मिलेंगे, 2 महीने के बाद मिलेंगे। इसका मतलब आपके जो पैसे ब्लॉक हो रहे हैं वो 2 महीने के लिए हो रहे हैं। अगर वो जल्दी मिल जाते तो आप उसको रीइन्वेस्ट कर देते, उसमें से इंटरेस्ट मिलता जो अभी नहीं मिल रहा। अगर मैं इसको 3 महीने कर दूं तो मुझे बताइए, 3 महीने का क्रेडिट कर दूं तो उस केस में 3/12 कर दीजिए, करिए जरा 3/12 × 12 लाख, तो ये आ गया जी 3 लाख रुपए। फिर आपके 3 लाख रुपए ब्लॉक हो रहे, 4 महीने कर दीजिए। बेटे आपको मैं यही तो मैंने फेस टू फेस के बैच में बताया था कि उधार देना मतलब अपने पैसे फंसाना, ब्लॉक करना। तभी तो बनिए की दुकान में लिखा होता है आज नगद कल उधार, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। क्योंकि बेटे जब आप उधार देते हो तो आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, और जब आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं तो जो आप उन पैसों से इंटरेस्ट कर्न कर सकते थे अर्न नहीं कर पाते। तो बेटे इस चैप्टर में मुख्य तौर पर मुझे ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड डिसाइड करना है, जिससे कि मेरी 2 ऑब्जेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी के मीट हो जाएं। क्या 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 बेटे? मैं कहता हूं अगर मैं यहां पे लिख दूं एक्स एक्सिस में क्रेडिट पीरियड और वाई एक्सिस में मैं लिख दूं प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी, तो मुझे बताइए अगर मैं 1 महीने का उधार दूं, 2 महीने का दूं, 3 महीने का दूं, तो आपके हिसाब से आप बताइए, आपके हिसाब से मैं यहां पर किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी की लाइन डालूंगा? फेस टू फेस की क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, ये तो रिविजनरी क्लास है। 15-20 मिनट में एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस टॉपिक में करना क्या है, सो दैट जब आप अपने घर में बैठे हो और आप ये टॉपिक रिवाइज कर रहे हो और ये वीडियो सुन ले, उसके बाद आपको सब कुछ वैसी पिक्चर बननी शुरू हो जाए जो मैंने क्लास में बताई थी। क्वेश्चंस वही आने जो बेटे मैंने आपको बताए हुए हैं, थ्योरी भी वही आने जो बताई हुई है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं आपको एक वीडियो जरूर दूं जिससे कि आप उसको रिवाइज कर पाए। तो आप बताइए जी, आप मुझे बताइए प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से आएगी। और बेटे मैंने अपनी क्लासेस में चित्र बहुत बनाए जिससे कि नंबर ज्यादा आए, प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से आएगी। क्योंकि 1 महीने का उधार देंगे तो कुछ कस्टमर्स बिके आएंगे, 2 महीने में ज्यादा आएंगे, 3 महीने में और ज्यादा आएंगे। इसी तरह से लिक्विडिटी, बेटे लिक्विडिटी का कर्व इस तरह से बनेगा, डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ। क्यों बेटे क्यों बेटे क्यों बेटे? जब ज्यादा उधार दोगे तो लिक्विडिटी कम होगी ना, तो बेटे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको बोलेंगे ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड। बेटे इस पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड। तो बेटे इस पीरियड को चूज करना है, तो इसके लिए मैंने आपको फेस टू फेस की क्लास में बताया था कि हमने कुछ डिसीजन क्राइटेरियाज लेते हैं और उन डिसीजन क्राइटेरियाज के बेसिस में डिसाइड करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स को देखा जाता है, मॉनेटरी कॉस्ट को देखा जाता है, और मॉनेटरी बेनिफिट और मॉनेटरी कॉस्ट को देखने के बाद हम ये काफी हद तक डिसाइड कर पाते हैं कि हमें क्रेडिट देना कितने पीरियड का चाहिए। तो बेटे ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। एक बच्चा कह रहा था थोड़ा सा मॉनेटरी कॉस्ट के बारे में बताओ, बिल्कुल बताऊंगा। बेटे मैंने एक बात आपको एक चित्र बनाया था, आप उस चित्र को सामने रखिए। मैं हर टॉपिक में सबसे पहले एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करता हूं और वो फ्लो चार्ट उस पूरे टॉपिक के बारे में हमें बताता है। बेटे मॉनेटरी बेनिफिट में मैंने बताया था कि एक तो मॉनेटरी बेनिफिट होगा इंक्रीज इन सेल्स, दूसरा होगा इंक्रीज इन प्रॉफिट, बड़ी सिंपल सी बात है, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा। दूसरी चीज मॉनेटरी कॉस्ट। बेटे अगर आप उधार ज्यादा देंगे तो ब्लॉकेज ऑफ फंड्स ज्यादा होंगे, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स होंगे। अच्छा ब्लॉकेज ऑफ फंड्स होंगे
तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर होगी बेटे, बैड डेट्स भी तो होंगे, ये बात भी तो उस फ्लो चार्ट में बताई थी। और बेटे अगर बैड डेट्स होंगे तो उनको बार बार बुलाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। याद आ रहा बेटे? याद आ गया ना? आया ना बेटे? फैक्टरिंग सर्विसेज कॉस्ट। बेटे आप फोटो सामने रखिए, आपको मैंने सारी ये बातें बताई थी, पूरा फ्लो चार्ट प्रिपेयर हुआ था। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इसके बाद मैंने आपको कहा था 3 स्टेप फॉलो करते हैं, वो अभी मैं स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली पेपर में हम किस तरह से स्टेप्स फॉलो करेंगे। फिर बेटे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट था कैश डिस्काउंट पॉलिसी का, कि अगर आपको कैश डिस्काउंट बढ़ाना है, जैसे 2/10 net 30 ऐसा मान लें, इस तरह की पॉलिसी है कि भाई 2% का डिस्काउंट देंगे अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर दें, और अगर आप 10 दिन में पेमेंट नहीं करेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर आपको 30 दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी बिना डिस्काउंट के। तो इस पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं 1/15 net 45 कुछ भी बेटे। तो मैंने ये बताया था कि डिस्काउंट पॉलिसी का मतलब होता है, ये होता है बेटे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, ये होता है बेटे पीरियड ऑफ डिस्काउंट। और बेटे ये जैसे लिखा मैंने नेट 30 मतलब टोटल क्रेडिट पीरियड विदाउट डिस्काउंट, टोटल क्रेडिट पीरियड विदाउट डिस्काउंट, बिना डिस्काउंट के जो हम क्रेडिट देते हैं बेटे वो ये आ रहा बेटे यार। तो उसके बाद मैंने बताया था कि आप यहां पर एक तो टोटल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, विजावेस इंक्रीमेंटल अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। याद आ रहा है जी? याद आ रहा है? टोटल अप्रोच का मतलब है आपको जितने भी प्रपोजल्स दिए हैं उसकी टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन वगैरह देखें, और इंक्रीमेंटल में आप खाली इंक्रीमेंटल सेल्स, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट देखें बेटे। लेकिन ज्यादा बेटर क्या रहता है, आप टोटलिटी अप्रोच फॉलो करें क्योंकि वो आसान रहती है। लेकिन बेटे अगर पेपर में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी तो फिर इंक्रीमेंटली फॉलो करनी पड़ेगी। और याद आ रहा जी, इंक्रीमेंटल में मैंने क्या बताया था, इंक्रीमेंटल सेल्स, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल बैड डेट्स, सब कुछ इंक्रीमेंटल। तो यहां पर जो बचा उसका क्या नाम है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आने वाले 10 मिनट के अंदर आपको पूरा और भी क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बता दूं, जिससे कि जब आप ये वीडियो देखें और फिर इस टॉपिक को करना शुरू करें, जो क्वेश्चंस मैंने आपको फेस टू फेस की क्लास में कराए या पेन ड्राइव क्लासेस में कराए, तो आप उनको अच्छी तरह से भली भांति देख पाए। मानिए कि क्रेडिट पॉलिसी का एक ट्रेलर है, क्रेडिट पॉलिसी 4 लेक्चर का ट्रेलर है। तो दोस्तों मैंने लास्ट पॉइंट आपको और तो बहुत सारी बातें बताई थी, फिर मैंने बताया था आपको अगर टैक्स रेट दिया हो, इफ टैक्स रेट इज गिवन, If tax rate is given, then follow financial accounting approach. अगर tax rate given है तो मैंने बताया था आप opportunity interest cost debit नहीं कर सकते, क्योंकि opportunity interest cost आपकी actual cost नहीं है, वो एक fiction है। और इनकम टैक्स में फिक्शन कभी डेबिट नहीं होती, एक्चुअली पे किया तो डेबिट होगी या एक्चुअली में अक्रूड है तो डेबिट होगी। बेटे अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट ना तो अक्रूड कभी होगी और पे होने का मतलब ही नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उस केस में आपको क्या करना था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना था और कंपेयर करना था एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो इसके बाद डिसाइड करते कि क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे। फिर मैंने मेरे बेटे मैंने आपको एक बड़ा जबरदस्त टेक्निक बताई थी क्रेडिट पॉलिसी को लेकर, जिसका नाम है डिसीजन ट्री अप्रोच। डिसीजन ट्री
अप्रोच। बेटे डिसीजन ट्री में मैंने आपको चित्र बना के दिखाया था कि किस तरह से हम डिसीजंस लेते हैं, तो इसका नाम था डिसीजन ट्री। और मैंने इसमें बताया था बेटे प्रोबेबिलिटीज होती हैं, और ये भी बताया था कि ये टॉपिक ये कंसेप्ट कोई कराता ही नहीं है। लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था बेटे फैक्टरिंग सर्विसेज का। फैक्टर मतलब दलाल, मतलब आप फैक्टरिंग सर्विसेज ले या ना ले। तो बेटे फैक्टरिंग सर्विसेज का मतलब होता है कि हम अपना क्रेडिट जो पीरियड है उसका बेनिफिट किसी से ले या ना ले। जैसे ये सेलर है, ये बायर है, ये फैक्टर है, और फैक्टर मान लेते हैं जेनपैक या बार्कलेस फाइनेंस। सेलर, फैक्टर, बायर। बेटे सेलर जो है बायर को उधार में सामान बेचता है, मान ले 3 महीने के लिए, लेकिन सेलर कहता है भाई मैं 3 महीने रुक नहीं सकता, तो सेलर क्या करता है फैक्टर को ये बेच देता है एग्रीमेंट से कि आप इससे 3 महीने के बाद ले लेना। अब बेटे ये बैंक भी हो सकता है, याद आ रहा बेटे वो क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक फैक्टर था बार्कलेस फाइनेंस और एक था बैंक, हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी। बेटे इसमें कॉस्ट कैलकुलेट होती है, कॉस्ट एंड बेनिफिट कैलकुलेट होता है। आइए मैं एक सेकंड के लिए आपको ये बता दूं कि वहां पर बेटे ये कंसेप्ट से देखे थोड़ी सी स्लाइड आगे निकल गई, आप अपनी प्लीज बुक खोल लीजिए। ये देखिए ये बेटे मैंने 16 कंसेप्ट आपके सामने रखे हैं जो हमने फेस टू फेस क्लास में किए थे। पहला कंसेप्ट है इंट्रोडक्शन, दूसरा कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, तीसरा कंसेप्ट है डेटर्स मैनेजमेंट, फोर्थ कंसेप्ट है डिसीजन क्राइटेरियाज, फिफ्थ कंसेप्ट है बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इन्वॉल्व विद क्रेडिट, सिक्स्थ कंसेप्ट है ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड, सेवन कंसेप्ट है पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एवेल्युएटिंग क्रेडिट पॉलिसी, सेवन के बाद एट कंसेप्ट है बेटे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एट को मैंने बोला था पे क्लास में भी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट 9 कैश डिस्काउंट पॉलिसी, कंसेप्ट 10 फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच, अभी बताया बेटे कंसेप्ट 11 इंक्रीमेंटल अप्रोच, कंसेप्ट 12 फैक्टरिंग सर्विसेज, और बेटे लास्ट के 2 कंसेप्ट बड़े कीमती हैं, डिसीजन ट्री और बैड डेट्स। हाँ बेटे बैड डेट्स का भी एक लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, तो बेटे हमने 25 क्वेश्चंस किए थे, आप चेक करें प्लीज। मैंने इसके बाद बेटे आपको याद है मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था क्रेडिट पॉलिसी को लेकर, जॉनी लीवर और सतीश कौशिक, बेटे उसको पैसे लेने होते हैं उसको देने होते हैं, जरा सुनिए एक मिनट के लिए, आपको याद आ जाएगा मैंने ये बात दिखाई थी बेटे पहले लेक्चर में बताई थी। किसने पैसे लेने उससे, बेटे वीडियो में इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी रोजमर्रा की चीज देखते हैं और उस चैप्टर को उससे जोड़ते हैं तो आपको ज्यादा समझ आता है। तो बेटे क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट में आपने इसी बात को सीखा है कि एक व्यक्ति को जब पैसे हम उधार में दे दें तो वो भाग जाता है, वो गली छोड़ देता है, तो वो मैं समझता हूँ उधार दिया ग्राहक भी खो लिया। तो क्या हम उधार दें या ना दें, ये बेसिकली हम देखते हैं दोस्तों। देखिए हम दिल दे चुके सनम का वीडियो दिखाया था बेटे, देखा आपने कर्जा दे रखा है तो कर्जा ले क्यों नहीं रहे। आइए जी इन्हीं बातों के साथ मैंने आपको एक बात और बताने की कोशिश की थी कि बेसिकली लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स मैंने क्या बताए थे, जैसे देखिए आपके सामने स्लाइड्स हैं बेटे, 4 लेक्चर लिए थे 3-3 घंटे के, यहाँ तो 10 मिनट में बता रहा हूँ। पहले मैंने बताया था व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म डिसीजंस,
लॉन्ग टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या क्या होता है बेटे? डेटर्स, स्टॉक, कैश। तो बेटे हम डेटर्स की मैनेजमेंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट सेल्स बताया था, व्हाई वी विल वांट टू गिव क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट क्यों देते हैं, ये सारे लॉजिक समझे थे। उसके बाद बेटे मैंने बताया था डेटर्स का से आपका पैसा ब्लॉक होगा। What is debtors management, life management, finance management, stress management, girlfriend management? Debtors management में एक फोटो बनाई थी बेटे, वहां पे मैंने मीनिंग लिखा था, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज लिखी थी, क्राइटेरियाज लिखे थे, कॉस्ट लिखी थी, फिर मैंने एक फोटो प्रिपेयर की थी प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी की। और फिर कंसेप्ट 5 में बताया था व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड विद दिस, इंक्रीज इन सेल्स और बैड डेट्स कलेक्शन, ये सब आपने अपने रजिस्टर में बनाया हुआ है। एग्जामिनेशन में नंबर लेने के लिए 3 स्टेप फॉलो करते हैं, स्टेटमेंट थ्रू ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एंड रिकमेंडेशन। ये बताया था बेटे, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज सेल्स, How it is calculated, what is PV ratio, ये सारी बातें बताइए बेटे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको अभी बताया अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होती है, ब्लॉकेज कॉस्ट क्या होती है। बेटे बड़ी मेहनत की बेटे, कैश डिस्काउंट पॉलिसी याद आ रहा है, अभी मैंने समझाया था कैश डिस्काउंट पॉलिसी अडॉप्ट करें या ना करें, आपको टर्म्स दी होंगी, ठीक है जी। फिर मैंने आप सभी को बेटे आगे भी बताया बहुत कुछ, एक मिनट के लिए देखिए तो सही, आप तो ऐसे नाराज हो जाते हैं, दूसरी स्लाइड निकालने तो दीजिए। लेक्चर 2 की पहली चीज मैंने बताई थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच। अगर आपको टैक्स रेट दिया है, तो भूल ना जाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच ही लगा कर आना। उसमें क्या ध्यान रखना है, आपको अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट भी करना, बस देखिए ये देखिए पीबीडी, टैक्स आफ्टर टैक्स, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को एक्सपेक्टेड रेट कंपेयर करेंगे। और बेटे मैंने इंक्रीमेंटल अप्रोच, इंक्रीमेंटल मैंने कहा था क्रेडिट पॉलिसी ऑफ टोटलिटी इंक्रीमेंटल दोनों से फॉलो कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल अप्रोच में, हम खाली इंक्रीमेंटल की चीजें लिखते हैं, चेक करिए बेटे पेन ड्राइव क्लासेस फेस टू फेस के सभी लेक्चर्स में मैंने डीपली ये सारी बातें बताई है, आपने अटेंड की होगी नहीं तो कहीं और से भी किया होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स करने हैं। फिर बेटे फैक्टरिंग सर्विसेज, बारक्लेस, जेनपैक, मुथु फाइनेंस, कहां से ले, किस से ले, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालते हैं बेटे। फिर ये स्लाइड भी खत्म हो गई, फिर मैं तीसरी में आ गया, मैंने फिर तीसरी कराई 3 C's। हम किसी की क्रेडिट वर्दिनेस को निकालने से पहले 3 C देखते हैं, 3 C, डिसीजन ट्री अप्रोच, एजिंग शेड्यूल। ये सारी बातें बताने के बाद मैंने आपको उसके साथ साथ थ्योरी के क्वेश्चंस कराए थे बेटे, अपनी बुक में, मेरी तो बुक में उसी में तो है थ्योरी के क्वेश्चंस और आंसर्स बेटे, ये सॉफ्ट कॉपी में है और ये आपके सामने है। तो बेटे कोई गलत थोड़ी है, आपके सामने मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस तक लिख दिए, 12 क्वेश्चंस दिए 12 क्वेश्चन और आंसर आज तक सीए, सीएस, सीएमए पूरी हिस्ट्री में कहीं पे भी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बेटे उनको 12 क्वेश्चंस बनाए, आंसर्स भी लिख दिए बेटे, भूलना नहीं है। आपको मैं एक चीज बताऊं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो दिए थे अगर आप वो कर ले तो मैं समझता हूं कि आप 80 प्लस आराम से लेकर आ पाएंगे। ये देखिए जी प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल कराए थे और बेटे प्रैक्टिकल मैंने 25 कराए थे और ईपीक्यू में बेटे 34 है। अब एक बच्चा सोचना सारे करने, बेटे आपको एक थ्योरी की बुक मिली है ना, उसमें मैंने लिख दिया है कि आपके अटेम्प्ट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, आप उन क्वेश्चंस को तो जरूर करें। और बेटे मैं चाहता हूं कि आप लाइफ में सक्सेस अचीव करें और जल्दी से पास हो जाएं। दोस्तों क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट आपका चैप्टर 100% हो सकता है अगर आप ईमानदारी से काम करें। धन्यवाद।